पार्टी के दोनों ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिवकुमार से बातचीत करने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इस्तीफा देने और इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव बनाने में फर्क है। उन्होंने ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखने का दावा किया है और कहा है कि जब तक कुछ निर्णय नहीं होता है तब तक वो अपने इस्तीफे को लेकर सीएम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ऑब्जर्वर के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। और अरुण और यतेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। यतेंद्र आपका रुख में, अरुण में सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अरुण, ये जो विक्रमादित्य सिंह के तेवर थोड़े नरम नजर आ रहे हैं, क्या वजह निकल कर आ रही है? देखिए, विक्रमादित्य सिंह कभी भी सरकार से बाहर नहीं जाना चाहते थे, सिर्फ उनके जो ग्रीवांस थे, उनकी जो परेशानी थी, उनका यह कहना था कि उनके मंत्रालय में अफसर शाही हावी है, मुख्यमंत्री के करीबी अफसर हैं, उनको काम नहीं करने देते हैं, उनका हस्तक्षेप होता है, उनको पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। सारे मंत्रियों की यही परेशानी है, यही समस्या है। वो आलाकमान से कह चुके हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पावर को अपने पास रखना चाहते हैं, उसको बांटते नहीं है, और सत्ता का बंटवारा अगर नहीं होगा तो सरकार में मंत्री बने रहने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीति में मामला कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है, निशाना कहीं और से साधा जाता है, सीधी बातें नहीं कही जाती। वो मुख्यमंत्री पद पर भी उनके परिवार का दावा रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दबाव बढ़ गया सुक्खू पर तो एक और पासा फेंक दिया, दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया, ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो भी उनसे कम से कम सम्मान से पेश आए, उनके अधिकारों पर किसी तरह का कुठाराघात न करें, उनके मंत्रालय के फैसले वही लें, न कि सुक्खू के मंत्री या फिर सुक्खू लें। बड़ी बात देखिए क्या है, बड़ी बात यह है कि 6 विधायक सुक्खू को बदलने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुक्खू के साथ किसी कीमत पर हम काम नहीं करेंगे। अब आलाकमान को यह सोचना है कि बिना उन 6 विधायकों को सरकार चलानी है या उनके साथ चलानी। अगर उनके बिना चलानी है तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया ही गया है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सदन की स्ट्रेंथ नीचे ला करके बहुमत साबित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उनके बिना सरकार चला, बीजेपी जो है इस पूरे मामले को बुनाना चाहती है, इस टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यतेंद्र, ये जो 6 विधायक हैं कि अब भी बीजेपी के संपर्क में, क्योंकि हमने देखा कल वो आए लेकिन फिर वापस चले गए, क्या कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है कि 6 के 6 जो विधायक हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये गुट अलग है, यानी कि सुक्खू गुट के नहीं है, किसी और गुट के हैं, क्या अभी भी ये बीजेपी के संपर्क में, कुछ और विधायक भी हो सकते हैं जो संपर्क में हो सकते हैं बीजेपी के? देखिए बिल्कुल, अगर पूरे हिमाचल के सियासी संकट को देखेंगे तो तू डाल डाल में पात पात वाली बात यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो विपक्षी या जो नाराज विधायक हैं उनको मनाने की उनकी जो कोशिश है, वो अगर कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेगा तो वो लेंगे। लेकिन वहीं बीजेपी का दावा है कि अब सरकार के पास जो संख्या बल होना चाहिए वो नहीं है। हालांकि तमाम तरह के अब हथकंडे सरकार की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, विपक्ष भी लगातार कोशिश कर रहा है। जहां तक 6 विधायकों की आप बात जो कर रहे हैं, वो अभी भी बीजेपी के संपर्क में, और बीजेपी सूत्रों का दावा ये भी है कि केवल ये 6 विधायक नहीं, अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो कुछ और विधायक जो नाराज हैं वो भी बीजेपी के समर्थन में वोट कर सकते हैं। हालांकि अब कोशिश यही है कि अगर कठोर निर्णय लेंगे तो क्या इनकी सदस्यता जाएगी, और उसमें ऐसे में क्या जो सदन की जो संख्या होगी वो कम होगी, यानी कि स्ट्रेंथ कम करके अपना विश्वास मत हासिल करेगी। तमाम कई सारे विकल्प हैं जो कांग्रेस सरकार अपनाएगी, और वहीं बीजेपी भी लगातार इन विकल्पों पर भी बातचीत कर रही है कि क्या कोर्ट का रुख अख्तियार करना चाहिए, जिस तरह से विधायकों को अगर अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसमें बीजेपी का क्या रुख रहेगा, किस तरह से वो कोर्ट में उनको ले जाएगा, मतलब कई तरह के कानूनी दावपेच उसमें रहेंगे। तो आज कुछ स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि लगातार देर रात तक मंथन का दौर चलता रहा है, लीगल एक्सपर्ट से राय मांगी गई है, आज एक बार फिर से गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं, और कोशिश यही है कि जो संख्या बल है, और बीजेपी के पास जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने मात्र 25 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस को झटका दिया, तो वो आगे भी स्ट्रेंथ बरकरार रहे, और आगे भी अगर योग्य घोषित होते हैं तो ऐसे में बीजेपी कौन से विकल्पों पर विचार कर सकती है, वो लगातार मंथनों का दौर जारी है, और लगातार ये रस्साकसी का दौर चल रहा है कि किस तरह से जो संकट हो सकता है। यतेंद्र, भले ही कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया, यतेंद्र और अरुण आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच विक्रमादित्य सिंह की मां और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि जब से सरकार बनी है कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी, जिसे आला कमान के ध्यान में लाना बेहद जरूरी था, हम चाहते थे कि इन पर चर्चा हो, इसलिए आज से ये हालात बने हुए हैं। कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमान के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई,
और हम चाहते थे कि वो बैठ कर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सोल्यूशन निकाल कर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब एक साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, शिमला में पार्टी ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक के बाद सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्सक्लूसिव हमारे साथ है। सर, क्या बातचीत हुई अंदर आपके ऑब्जर्वर्स के साथ? ऑब्जर्वर्स आए हैं, उन्होंने पूरी रणनीति की चर्चा की है और आगे कैसे हमने चलना है उस ढंग से रणनीति की चर्चा की है। और निश्चित तौर पर जो भी अब आगे काम करना है और जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है उसके लिए उसके बारे में चर्चा की है और आज जो बजट पास हुआ उसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा की। भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि आपकी सरकार को गिराने की। भाजपा तो आज फ्लोर में उनके जो जो बागी थे, जिसमें 6 कांग्रेस के विधायक थे और 3 आजाद थे, वोटिंग के समय उनको तो निष्कासित नहीं किया था, वो भी नहीं आए। भाजपा कैसे कह सकती है, जिसकी 25 सीटें हैं और हमारी अभी 6 बागियों के बाद भी 34 सीटें हैं, तो वो किस प्रकार के हथकंडे अपनाएगी वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ये निश्चित है कि वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथियार से हिमाचल की कांग्रेस सरकार को और जनता को धोखा नहीं दे सकती। सर, फिलहाल क्या अल्पमत में ही सरकार चलेगी? आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्पमत में कौन है? अल्पमत में बीजेपी, जिनके 25 है। धन्यवाद। तो हिमाचल प्रदेश में वक्त वक्त पर लगातार जो है घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में आगे क्या होने वाला है इसकी तस्वीर स्पीकर के फैसले के बाद ही साफ होगी। और मौजूदा सियासी हालात में स्पीकर 2 में से कोई एक फैसला ले सकते हैं। पहले हालात समझते हैं। इस वक्त कांग्रेस के 6 विधायक बागी हैं। अब या तो सभी 6 विधायकों को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा या फिर सभी जो बागी विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द होगी। स्पीकर ये भी फैसला ले सकते हैं। और इन दोनों में से जो भी फैसला होगा उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आंकड़े कुछ इस तरह से होंगे। ये देखिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के 6 विधायक जो बागी हो गए हैं, सभी की सदस्यता या तो रद्द हो सकती है या बागियों को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि लगातार वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अब क्या हिमाचल प्रदेश में, आंकड़ों के जरिए हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सदन में मौजूदा स्थिति ये है कि अभी कुल विधायकों की संख्या 68 है, इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 35 है, लेकिन बागी विधायकों पर कार्रवाई के बाद सदन में कुल विधायकों की संख्या 62 हो जाएगी और तब बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा। यानी कि अगर हिमाचल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया तो क्या सुक्खू सरकार खतरे में आ जाएगी? ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या हो सकता है। कांग्रेस को